तो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और करता रहूँगा हर बार की तरह। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे दोस्तों बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है यूट्यूब। यूट्यूब पे हमारे फ्रेंड बहुत से लोग हमारे बहुत से लोग और फ्रेंड हमारे दोस्त बहुत से लोग हमारे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो थेम्स जो है दोस्तों, वो थेम्स को डायरेक्ट थेम्स को इनेबल नहीं करते हैं। डायरेक्ट थेम्स से इनेबल करने से क्या होता है कि आपको आँखों पर जो है इसका रोशनी जो है लाइट का जो रोशनी है आपको आँखों पर कम पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए कैसे इनेबल करना है और कैसे क्या करना है मैं इस वीडियो में आपको पूरा पूरा बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल घंटी भी मिलेगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं गवाते, मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले डार्क थेम्स को आपको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ना ही कोई ऐप्स ना ही कोई कुछ नहीं करना है, आपको सीधा YouTube को आपको ओपन करना है। YouTube आप ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, तो आपको यहाँ सबसे तीन कोने वाला यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तीन कोने पे आपको सबसे राइट वाला ये सबसे साइड वाले पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप सेटिंग में आ जाइएगा। चलिए मैं फटाफट यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग वाले पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे सेटिंग वाले पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे जनरल पे आपको क्लिक कर दीजिए। यहाँ जनरल पे जैसे क्लिक कीजिएगा, तो चलिए मैं जनरल पे फटाफट क्लिक कर देता हूँ। जनरल पर जैसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक डार्क थेम्स यहाँ पे इनेबल करने का ऑप्शन आप YouTube दे रहा है हमें। तो डार्क थेम्स से ये क्या होता है कि आपको आँखों पे रोशनी जो दोस्तों जो भी आप वीडियो देखेंगे चाहे कुछ भी देखेंगे तो इसमें क्या है कि आपको आँखों को रोशनी कम पड़ेगा, तो इसलिए आपको आँखों पर रोशनी कम पड़ेगा तो आप देरी तक वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो क्या है कभी कभी आँखों को जल्दी ख़राब होने का चांसेस आदमी को रह जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इसे आप जब भी आप अपना YouTube का वीडियो देखें चाहे कहीं भी देखें तो आप यहाँ इसे आप इनेबल कर लेते। तो इनेबल करने के लिए साधारण आपको यहाँ पे इसको इसके ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। चलिए मैं फटाक से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा थेम से व्हाइट था तो ब्लैक हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब इसे हम थोड़ा सा अगर बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं कि मेरा थेम से कैसे बदल चुका है, व्हाइट से ये कैसा थेम्स हो गया है। तो दोस्तों तो यही थी कुछ यूट्यूब की सेटिंग, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए। अगर दोस्तों आपको अगर इसे आपको इनेबल नहीं करना था फिर इसी वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसी वाला ऑप्शन पे लास्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। फिर इसे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे जैसे क्लिक करने के बाद फिर आपको जनरल पे क्लिक कर देना है। जनरल पे जैसे क्लिक करने के बाद डार्क थेम्स यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपको अगर इसे इनेबल रखना है तो इनेबल रखिए, अगर आपको इनेबल नहीं रखना है दोस्तों तो आप यहाँ से इसे आप बंद भी कर सकते हैं, ऐसे बंद भी कर सकते हैं तो फिर से व्हाइट आ जाएगा। दोस्तों मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप इसे ब्लैक में ही रखिए तो अच्छा है, ब्लैक थेम्स बहुत अच्छा है क्योंकि आँख पर रोशनी कम पड़ता है ब्लैक वाला। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं इसे देख लेता हूँ। ब्लैक में ही मैं इसे यूज करता हूँ ताकि मेरे को आँखों पर जोर ना पड़े। तो दोस्तों ये थी कुछ यूट्यूब के वीडियो की सेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।